दिल्ली के सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया दे वल्लों अज दरबार साहब विखे नमस्तक होया गया। तस्वीरां दे विच देख सकदे हो तां सीएम पंजाब भगवंत सिंह मान ने जिहड़े तां उहनां नाल मौजूद ने, तां दरबार साहब नमस्तक होण पहुंचे ने दिल्ली के सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया जी। तो तस्वीरां दे विच देख सकदे हो तां नाल कुलदीप धालीवाल भी नज़र आ रहे हैं, तो नाल ही लालजीत सिंह भुल्लर भी तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया की गल की जाए तो पिछले दिन ही जेल तो रिहाई हुई है, तो जिस तों बाद अज पंजाब पहुंचे ने, तो पंजाब पहुंचण ते दरबार साहब अमृतसर नमस्तक होए ने। तो नमस्तक होने तो बाद की गलबात हुई है मीडिया के नाल, तुसीं भी सुनो। तो तस्वीर देख सकते हो, तो जिहड़ा नमस्तक होया जा रहा है सीएम पंजाब भगवंत सिंह मान ते मनीष सिसोदिया ने जिहड़े तां नज़र आ रहे हैं, तो दरबार साहब नमस्तक हो रहे हैं। तो की कहना सीएम पंजाब भगवंत सिंह मान का, की कहना मनीष सिसोदिया का, तुसीं भी सुनो। अज सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक हो पार्टी दे फाउंडर मेंबर ते देश दे सिक्ख्या दे विच क्रांति लियाउण वाले सिक्ख्या मंत्री दिल्ली दे डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी, उन्हां नूं सर्वोच्च अदालत वल्लों न्याय मिलिया के उन्हां दी जमानत होई। सानू पहले दिनों पता सीगा कि झूठे केस ने और इन्हां टिकने नहीं ज्यादा देर अदालतां च, यही उम्मीद असी केजरीवाल साहब वाले केस च कर रहे हैं। इस तो पहला संजय सिंह जी दे विरुद्ध कोई सबूत नहीं सी, सो इत्थों सिद्ध हुंदा बस सिर्फ यह कुछ समय लई साडे लीडरां नूं जेल च भेज के पार्टी तोड़न की कोशिश करते हैं, पर आम आदमी पार्टी किसी होर मिट्टी की बनी हुई है, उस च कोई त्रेड़ या दराड़ नहीं आऊगी। तो अरदास कीती सी, मैं भी कई बार आया इतने अरदास की थी कि सच की जित हो, सू बल बख्शे, तो सच की जित हुई है। तो अज मनीष सिसोदिया जी सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होने आए हैं परिवार समेत। कोई पोलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ 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 मत्था टेकने आए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ दरबार साहब में मत्था टेकने का अवसर मिला, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। और जब मैं 17 महीने जेल में था तो बहुत शिद्दत से मैं रोजाना याद करता था सच्ची, क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था और झूठ और साजिशों के तहत जेल में भिजवाया गया था। मेरी हमेशा सच्चे गुरु के चरणों में ये अरदास रहती थी कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, और जब सच्चाई की जीत हुई तो मुझे दरबार साहब के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान की वजह से न्याय मिला। तो मैं सबसे पहले मान साहब के साथ बात हुई तो सबसे पहले ये चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पर जाके माथा टेकेंगे, और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिन से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ, और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे, जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे, जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटे, वो नीचे आए। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें और सच्चाई की वहाँ भी जीत हो, हम सब बहुत दिल से मानते हैं। आपको बेल मिली है, लगता है सुषमा जी क्या कहेंगे, यूनिफाइड पेंशन योजना लाई जाएगी केंद्र के द्वारा? देखिए यहाँ ये तो मैंने कहा ना, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कहा ये तो सचखंड है, यहाँ तो जो आके कहेगा सच्चाई की जय हो, वहाँ पे सच्चाई की जय होनी ही होनी है, कहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर में जाती है बड़ा अपने, मैं तो खूब यहाँ रहा हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, आज ऐसा ही लगा कि जैसे अपने भाइयों बहनों के बीच में आ गया हूँ, और मेरे बड़े भाई मेरे मान साहब जो है उनके साथ आके, ये भी हम सब परिवार ही हैं, तो आज पूरे परिवार के साथ, मेरे दिल्ली से मेरी फैमिली भी आई है, हम सब ने परिवार के साथ आके मत्था टेका है, क्योंकि राजनीति और सरकार अपनी जगह रहती है लेकिन परिवार हमारा सबसे बड़ा है। और मैं इसके लिए भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस संकट के समय में हम सबको बल दिया, और तमाम साजिशों के बाद भी हमारी टीम एक परिवार की तरह से, मुट्ठी की तरह एक है।